यूएई और फ्रांस दौरे से भारत पहुंचे प्रधानमंत्री, दिल्ली में बाढ़ के हालात पर एलजी से उन्होंने चर्चा की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू, 18 जुलाई को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक, तो बेंगलुरु में जुटेंगे विपक्षी नेता। मोदी सन्ने मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग, मानहानि केस में 2 साल की मिली है सजा। बाल बाल बचे, पंजाब के सीएम भगवंत मान, जलंधर में नदी पार करते वक्त डगमगाई नाव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली में बाढ़ से मुसीबत बरकरार, आईटीओ में जल जमाव, शांतिवन में भी पानी पानी। आंध्र प्रदेश में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में लगी आग, समर्सिबल पंप चालू करने के बाद फूटी थी पाइपलाइन, इलाके में थोड़ी देर के लिए मची अफरातफरी। मेरठ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में कावड़, 4 कावड़ियों की मौत की खबर, 16 गंभीर रूप से हुए जख्मी। आष्टा में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से किया संवाद, विकास कार्यों की दी सौगात, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। साइबर क्राइम को लेकर सीएम शिवराज ने की बड़ी बैठक, लोन ऐप सहित तमाम साइबर अपराधों पर हुई चर्चा, अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई रणनीति, जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। महासंग्राम से पहले बीजेपी की तगड़ी फील्डिंग, एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव प्रबंधन समिति के बने संयोजक। बाबा महाकाल के दर पर उमा भारती, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, उमा भारती ने दी बीजेपी नेताओं को सलाह, कांग्रेस की हर बात मजाक में ना उड़ाएं। पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता घायल। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत पर उठे सवाल, कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने कूनो डीएफओ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कूनो के करोड़ों रुपए के बजट का बंदरवाड़ का लगा आरोप। भोपाल में धार्मिक यात्रा को लेकर सामने आई बीजेपी कांग्रेस, यात्रा को लेकर चल रही बैठक में बीजेपी पर हंगामा करने का आरोप, 16 जुलाई को निकाली जानी है यात्रा। पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर पहुंचे दीपक बैज, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, पीसीसी दफ्तर पहुंचे दीपक बैज, संभाला कार्यभार। बीजेपी के घोषणा पत्र समिति और आरोप पत्र समिति की बैठक पर सुशीला नंद शुक्ला का बयान, जिन नेताओं के कारण बीजेपी की दुर्गति हुई उनके खिलाफ तैयार करना चाहिए आरोप पत्र। रायपुर में बीजेपी नेता मनीष साहू ने की खुदकुशी की कोशिश, अपहरण के आरोपी को छोड़ने के बाद जताया एतराज, थाना परिसर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।